एक्चुअली डी एंड एफ ब्लॉक दोनों है तो कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जिनसे बहुत सारे पूछे जाते हैं है जनरली मिस कर देते हैं कलर इंटरशन एलिमेंट्स कैटलेटिक प्रॉपर्टीज ये दो कंपाउंड आपको देखने पोटाशियम पर माइग्रेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक की की प्रॉपर्टीज ठीक है तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही ऑब्वियसली यहां पर चलने वाले हैं तो ये स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि डी ब्लॉक के अंदर तीन सीरीज होती होती है आपकी थ्री सीरीज एक होती है फोर और एक आपके पास होती है फाइव सीरीज ठीक है थ्री सीरीज में कौन कौन आता है स्कैंडियम आता है टाइटेनियम आता है वेनेडियम आता है क्रोमियम हो गया मैग्नीज हो गया एफी हो गया कोबाल्ट हो गया निकल कॉपर एंड जिंक ठीक है ये आपकी थ्री डी सीरीज होती है और थ्री डी सीरीज में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑनशन तो ये शुरू होता है थ्री डी वन से तो ये बन गया थ्री डी वन फोर एस टू एकदम से अचानक से बहुत बड़ा हो गया ये है ना थोड़ा थिक हो रहा है चलो कोई नहीं अच्छा दिख रहा है मैं आपके लिए फिर आएगा थ्री डी टू फोर एस टू थ्री डी थ्री ये आप जानते हो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक ऑनशन क्या होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन ठीक है ये कितना होगा थ्री डी फाइव फोर एस टू एटलीस्ट थ्री डी सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्शन आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए और ये है क्योंकि हम कॉर्डिनेशन पढ़ चुके हैं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ टाइम पास नहीं करना मुझे तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको इसको आप ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद आती है फोर्डी सीरीज फोर्डी सीरीज में अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो वहां पर कौन कौन आता है तो फोर्डी सीरीज पर आता है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई ठीक है तो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना है पे थ्री एंड नाइन नहीं आता इनके कॉन्फ्यूगेशन अगर आप कभी काम में आए तो आप ऐसे याद रख सकते हो थ्री एंड नाइन यहां पर नहीं आता मतलब ये चलेगा 4D1, 5S2. ये 4D2, 5S2. अब वैसे तो ये फोर डी थ्री फाइव एस टू बनता पर थ्री तो होता ही नहीं है तो फाइव एस से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा अब ये बन जाएगा फोर डी फोर फाइव एस वन और अब यही चलेगा ये बनेगा फोर डी फाइव फाइव एस वन ये बनेगा फोर डी सिक्स फाइव एस वन ये बनेगा 4d7 सेवन फाइव एस वन ये बनेगा फोर डी एट फाइव एस वन फोर डी नाइन नहीं आता तो उसकी जगह क्या पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा फोर डी टेन एंड फाइव एस जीरो फिर फोर डी टेन सेम फाइव एस वन फिर फोर डी टेन फाइव एस टू समझ पा रहे हैं ऐसे देखें आपके पास 5D सीरीज बनती है 5D सीरीज में क्या होता है फिर से लेंथेनम से स्टार लगता है ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा तो क्या करूंगा ला हफ्ता वरना रे ओसामा से किससे पिटवाऊंगा ईरान में पिटवाऊंगा ठीक है इस सीरीज में वैसे एट नहीं आता है आपको पूरा इसमें जरूरत नहीं आपको यहां पर मेनली याद रखना है कॉन्फिगुरेशन ऑफ प्लेटिनम जो कि कितना होता है फाइव डी नाइन ये वही फाइव डी टेन हो जाएगा फाइव डी टेन एस टू बट अगर आप सबका लिखना चाहते हैं लिख देना कि यहां पर एट नहीं आता है बाकी सब आते हैं मतलब ये बनेगा आपका वही फाइव डी वन सिक्स टू फिर डी टू है ना ऐसे लिख रहा हूं टू टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स टू सेवन टू एट नहीं आता तो यहाँ से आप याद रखना शुरू करें ठीक है उसके अलावा देखें यहाँ पे कुछ वेरिएशन छोटे छोटे जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट का मैं आपको बताऊं मेल्टिंग पॉइंट का जो आपका ऑर्डर होता है वो फाइव डी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा फिर होगा फोर डी और फिर होगा थ्री डी ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है तो ये कभी नहीं पूछा गया पूछ सकता है ज टेंथ ग्रुप अच्छा मैंने आपको ग्रुप नंबर तो बताया नहीं खैर आप जानते हैं इतना तो जानते हो ना हाँ कौन कौन है ग्रुप नंबर क्या क्या यहाँ पे थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ ये है नाइंथ ये है ट्वेल्थ ठीक है तो एक्सेप्ट टेंथ नहीं आ जाएगा आपके पास ये ठीक है तो अगर इलेवेंथ ग्रुप में आप बात करो तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है कॉपर ए

50% का क्या जाता है Z इफेक्ट में इंक्रीज आता है इसीलिए जो आपके पास 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी साइज यहाँ पे इनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है सब पढ़ा हुआ है आपने इनकी जो आइनाश एनर्जीज हैं वो क्या होती है रेस्पेक्टिव 3D 4D से रिलेटिवली क्या होती है ज्यादा होती है तो वो भी हम देख लेंगे बट अभी आप देखें इंपॉर्टेंट है अब एक बार आप ये कॉपी कर लो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ चलिए तो अब स्टार्ट करते देखें क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन देखें विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एंथेलपी ऑफ एटोमेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है थे हैं थे हैं आग आग और डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे और मैं आपको बताऊं ये अलग अलग सीरीज के एलिमेंट्स हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछना है या तो एनथेलपी एटोमेशन बोल दे या फिर आपसे बोल दे हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ठीक है दोनों का आंसर सेम आएगा कि दोनों ही मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से होते हैं तो आप इस ग्राफ पे ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है एनसीआरटी से उठा हुआ है ठीक है ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं ये पूरा वेरिएशन आपको समझना है कई बार थ्योरी से नहीं उठाकर इनसे क्वेश्चन पूछता है ग्राफ नहीं पूछेगा इसको ऑब्जर्व करना आप करना है। देखो टाइटेनियम से क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है ठीक है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है फिर ड्रॉप हो रहा है मतलब अपनी सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा है अपनी सीरीज में मल्डोन का सबसे ज्यादा है और टंगस्टन का और सारी सीरीज में टंगस्टन सबसे ऊपर है तो आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा इसकी एंथेलमेशन भी सबसे ज्यादा होगी रीजन यहां पर होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली कोविलेंट बॉन्डिंग हो जाती है मेटालिक के साथ साथ में तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो ध्यान रखना एलिमेंट हैविंग मोर नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल शो हाइएस्ट बॉन्डिंग टेंडेंसी इसलिए अपनी सीरीज में क्रोमियम मैग मॉलिबडेनम और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और एल्थेल पे ऑटोमेशन दोनों ही बहुत हाई होते हैं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी तो देखो एयू ए जी सी यू एयू सी यू ए जी सी यू एयू ए जी अब यह क्या है ठीक है तो सी यू है एयू है और एजी है तो क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली तो क्या होता है जनरली तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि साइड इफेक्टिव बढ़ रहा है पर इस ग्रुप में क्या होता है यहां से यहां जाने पर ऑब्वियसली सॉरी ए जी आएगा यहां और ए यू आएगा यहां ठीक है तो यहां से यहां जाने पर तो एन एशर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है होनी भी है ठीक है लेकिन यहां से यहां जाने पर वापस से क्या होती है एनएशर्जी इंक्रीज होती है यहां पर क्या होता है एनशर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है लेकिन यहां पर क्या होता है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा जब भी आप फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड जा रहे हो आफ्टर ग्रुप थ्री फिफ्थ पीरियड टू सिक्स पीरियड आफ्टर ग्रुप थ्री तो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन काम करेगा और उसकी वजह से क्या होती है आइन एनर्जी बढ़ती है तो जो आपका गोल्ड है ऑब्वियसली उसकी एन एस क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा फिर पास कॉपर और फिर कौन आएगा सिल्वर तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ऐसे ऑर्डर फिर हम पीरियड टेबल में भी आगे कवर किया करेंगे चलिए अगला देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एटल्स हो गया बेसिकली मेटल्स है विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन विद एसिड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप कैटेगरी है इसका आप जरूर ध्यान रखना ये थ्री डी सीरीज़ के लिए अरे ये ऑप्शन गलत आ गए भाई है ना ये ऑप्शन हटा देना इसमें ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं है ठीक तो यहाँ पर क्या होता है मैं अगर आपसे बात करूँ आप पास देखो स्कैंडियम है सिर्फ थ्री डी सीरीज़ के लिए है ना किसी और के लिए नहीं है तो टाइटेनियम है वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड सिंक ठीक है इन सबके अगर हम E0 एम टू प्लस एम वैल्यू देखें मतलब इनके एस आर पी वैल्यूस ठीक है तो इनमें से सिर्फ कॉपर का ओनली कॉपर हैज पॉजिटिव एस आर पी वो है जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ठीक है ई नॉट एम टू प्लस चेंजेस टू एम ठीक है दूसरी चीज अगर हम उल्टा लिख लें एसओपी एसओ पी ऑफ कॉपर जो हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा यानी एम चेंजेस टू एम टू प्लस की वैल्यू माइनस पॉइंट थ्री फोर वोल्ट है वेयर एज वेयर एज ऑल अदर थ्री डी सीरीज मेटल्स हैव, पॉजिटिव इस क्वेश्चन को तो आप वैसे भी कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज से भी ये भी आपको पढ़ा चुका हूं बी सी एक्चुअली यहां हाइड्रोजन होती है ये है पोटेशियम ये है सोडियम ये है बैरियम ये है कैल्शियम ये है मैग्नीशियम यह है एल्यूमिनियम यह है मैगनीस यहीं पे कहीं क्रोमियम आता है ये है जिंक ये है आयरन ये है निकल ये है टिन और ये है लेड ये हाइड्रोजन है, है फिर ये आ गया कॉपर ये है मरकरी ये है सिल्वर ये है गोल्ड और ये है प्लेटिन तो ऐसे कह सकते हो कि क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के बाद रिएक्टेड सीरीज में तो वो एसिड से हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं कर सकता तो ठीक है आंसर तो आप दे दोगे ऑप्शन नहीं है अभी अपने पास लेकिन इंपॉर्टेंट यह समझने क्या है ये आपसे पूछ सकता है स्पेसिफाइड एनसीईआरटी में और कभी नहीं पूछा गया है थ्री सीरीज में से कॉपर का एस जो है वो नेगेटिव होता है इसलिए कॉपर कभी भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोजन नहीं देता है सो दैट इज दैट इज वाई कॉपर डज नॉट गिव हाइड्रोजन विद मिनरल एसिड्स या डाइल्यूट एसिड्स हाँ अगर कंसेंट्रेटेड एक्सटूस है तो उनसे रिएक्ट कर जाएगा पर हाइड्रोजन तब भी रिलीज नहीं होगी तो ध्यान रखना

V2O5 टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम में आता है एच टू सो बनाने के अभी हमने पी ब्लॉक में कवर किया था निकल हाइड्रोजनेशन के काम में सॉरी एफ ई है डिवाइड फाइनली डिवाइडेड एफ ई है ये काम में आता है हेबर्स प्रोसेस में जहाँ पे एन टू प्लस थ्री एस टू से एन एस थ्री बनती है अब उसकी जगह पर के टू और एल टू थ्री भी यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपडेट हो चुका है एम एन ओ टू के सीलो थ्री के डीकम्पोजिशन में काम में आता है टू के सीलो थ्री को हीट करो तो आपको के सी एल प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है ये आपका जिगलर नाटा ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताया था TiCl4 AlCl3 होलथ्राइस और एक चीज पे ध्यान रखना यहां पर जो एक्टिव स्पीसी बनती है जो एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह काम करती है वो TiCl3 होती है लेते इस मिक्सचर को है पर जो काम करता है वो कौन करता है TiCl3 PdCl2 वेकर्स प्रोसेस में काम में आता है इसे हम वेकर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं जो कि एथिलीन लिखना सॉरी एथिलीन एथीन को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करता है इथेनॉल में उसके अलावा सस्प्लेटिन तो आपको याद ही है याद है ना क्या होता है सस्प्लेटिन वो एंटी कैंसर ड्रग होता है है ना पीटी सी एस थ्री होल्ट वाई सी टू चलिए तो ये याद है रखना इनसे आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं तो ठीक तो है क्वेश्चन तो यहां आए नहीं ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चलिए अब चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ या क्वेश्चन की तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड केमेनोफोर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सल्फाइड आयन इनटू सल्फेट आयन तो ये केमेनोफोर की प्रॉपर्टी के ऊपर है ये हम रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं लेकिन यहां पर आपको केमेनोफोर के बारे में पढ़ना है कंपाउंड के बारे में तो यहां एम एन प्लस सेवन में होता है या पच्छे से जानते हो कि अगर मीडियम एसिडिक है तो एम खुद किस में चला जाता है प्लस टू में यहां इसका एन फैक्टर होता है फाइव और इसका इक्वलेंट मास क्या बन जाएगा मोलर मास अपॉन फाइव सिमिलरली अगर मीडियम आपका बेसिक है तो Mn कन्वर्ट होता है एम एन ओ में ठीक है इसको आप स्लाइड बेसिक लिख लो रादर स्लाइड बेसिक और न्यूट्रल है तब ये कन्वर्ट होता है MnO2 में जहां इसका एन फैक्टर होगा देखो तीन और इक्वलेंट मास क्या बन जाएगा मोलर मास बाय पढ़ाया ना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मीडियम एल्कलाइन है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू MnO4 एम एन ओ फोर टू माइनस ये आपका पर है जहां पर एम एन प्लस सेवन स्टेट में होता है सो so ये मैग्नेट आयन है ठीक है एम एन ओ फोर टू माइनस अब ये क्या होता है ये ग्रीन कलर का होता है ठीक है थोड़ी बत्ती सी थोड़ी सी बत्ती गुल हो गई थी कोई बात नहीं चलिए तो अब आप देखो क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सॉल्व करते हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको आप जरूर जरूर जरूर, जरूर याद रखें अब क्या है देखो वन मोल सल्फाइट आयन है सल्फाइड आना होता है एसओ थ्री टू माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है इन सल्फेट बोल दिया है तो सल्फर यहां पर है प्लस फोर और यहां है प्लस सिक्स देखो इसका इन्फेक्टर आ गया अब कुछ नहीं है इक्विलेंट यूज करना है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इक्वलेंट्स ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ के मनो फोर जो है वो Of SO3 2 के तो के, के तो तो कितने होंगे इसके इसके में में हो गया ठीक है तो ये चीज़ हम पहले में भी पढ़ चुके हैं हैं चलिए बढ़ते आगे देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम में आएगी और बहुत ज्यादा यूजफुल है इससे हम बोलते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम ठीक है तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में क्या होता है ये इक्यावन टू माइनस जो है ये खुद होता है ऑरेंज कलर का सो सी आर टू ओ सेवन टू माइनस ये आपके पास ऑरेंज कलर्ड होता है इसलिए मैं कलर ऑरेंज ही यूज कर रहा हूं अब अगर आपने इसका मीडियम एसिडिक कर दिया क्या कर दिया एसिडिक एसिडिक मीडियम में सॉरी एसिडिक नहीं बेसिक है ना अगर मीडियम आपने बेसिक कर दिया तो बेसिक मीडियम में क्या होता है ये कन्वर्ट होता है येलो कलर के CrO4 फोर टू माइनस में जिसे हम क्रोमेट आयन बोलते हैं और अगर अगर आपने इसका मीडियम वापस CrO4- फोर माइनस को आपने इसमें एसिड ऐड कर दिया तो ये वापस से तो कलर चेंज करता रहता है बेस डालो तो येलो एसिड डालो तो वापस ऑरेंज हो जाता है ठीक है इसे हम बोलते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्लियम आप चाहें तो इनके स्ट्रक्चर भी बनाकर रख सकते हैं जो आपका सी आर डबल बॉन्ड ठीक है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस और ये आपके पास होता है येलो कलर का क्रोमेट आयन सी आर डबल बॉन्ड ओ ठीक है तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन वाला लिंकेज होता है और इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अब आप देख लो क्वेश्चन आंसर सही थे आगे कोई बात नहीं पता आंसर तो मैं तो एक्स यहाँ पर कौन होगा बेस होगा यानी एक्स तो एन है और वाई एक एसिड होगा तो वो एच हो गया ठीक so, है सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है चलिए इसके बाद बढ़ते हैं देखें आगे ये रिएक्शन मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इसको आप देख लोगे आगे भी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास डाइक्रोमेट है ठीक है या फिर अच्छा ये तो कुछ और बता रहा है ये नहीं है ये तो आसान है ये तो आप ध्यान रखना सी आर ओ थ्री एन एच में डिजोल्व अगर क्योंकि है ना सी आर ओ थ्री जो है वो आपके पास एम सिक्स में है ना तो एसिडिक होगा अगर क्रोमियम प्लस थ्री में होता तो वो एम्फोटेरिक होता एसिडिक है तो एन एच के अंदर डिजोल्व होगा एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये सिंपल आपके पास येलो कलर का एन ए टू सी आर ओ फोर बनाया ठीक है इसका आंसर अच्छा तो गया ऑप्शन नंबर बी मैं आपको एक और रिएक्शन बता रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई क्रोमियम का कंपाउंड है ठीक है और उसकी रिएक्शन आपने H2O2 से करा दी मतलब के ही है ठीक है तो K2Cr2O7 के सोल्यूशन में अगर आपने H2O2 पास की अलोंग विद इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये आपके पास एक कंपाउंड बनाता है CrO5 वेरी इंपॉर्टेंट इसे हम ब्लू बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं यहाँ एच टू टू का मेन काम में होता है ये कंपाउंड जो है ये कलर में ब्लू होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बटरफ्लाई की तरह यहाँ पे क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीजन स्टेट में होता है ये लिंकेज है दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस वन माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट में होते हैं ठीक है ना तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके काम में आएगी इसे भी आप ध्यान रखें और कॉपी कर लें ठीक चलिए आगे चलते हैं ये देखें पोटेशियम सल्फाइड सोल्यूशन वॉज मिक्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द पोटेशियम परमैग्नेट सोल्यूशन वॉज एडेड क्या क्या कर दिया इसने इसने पोटेशियम सल्फाइड लिया है और उसको मिक्स किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो के टू एस ओ थ्री लिया है उसके साथ उसने के है. ठीक है एंड पोटेशियम पर फिर फिर आपने इसमें केमिनोफोल डाल दिया है अब आप देखो ये जो सोल्यूशन है ये हो जाएगा बेसिक K2C3 सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड H2SO3 का तो ये भी बेसिक है ये भी बेसिक है फाइनल सोल्यूशन बेसिकल हम जानते हैं कि एल्कलाइन सोल्यूशन में एल्कलाइन सोल्यूशन में ये कन्वर्ट होगा एमेनोफोर टू माइनस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना तो फाइनल कलर कैसा होगा ग्रीन तो ये ध्यान रखें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे बनाकर पूछे जा सकते